नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लगातार पल-पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट आपको बताते चलें कि हमेशा की तरह रेवसा सीएससी अखबार की सुर्खियों और यूट्यूब चैनल के की खबरों में बना रहता है, छाया रहता है। और वो रेवसा सीएससी के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुँह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और रेवसा सीएससी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क व्यवस्था दे रखी है, मुहैया कराई है, करा रखी है, करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं पर एक मामला मंगलवार को की सुबह रेवसा सीएससी में एम्बुलेंस से एक प्रसव पीड़ा होने पर रेवसा सीएससी में आई महिला के द्वारा प्रकाश में आया है सुविधा शुल्क 100 रुपया लेने का। बताते चलें कि मड़ईपुरवा की निवासी सीमा पत्नी कृष्णाकांत को प्रसव पीड़ा की दर्द हुई, जिस पर एम्बुलेंस की के द्वारा रेवसा सीएससी 8 जुलाई 2019 को रात में लाया गया था और भर्ती कराया गया था, जहां पर वह सुबह रेवसा सीएससी में फर्श पर एक नवजात शिशु इस भारी बरसात में जहां बीमारियों का और रोगों का संक्रमण फैलता है, गेट पर फर्श पर नवजात शिशु और तीमारदार लेटे हुए थे, पड़े हुए थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया इस बात को कि एम्बुलेंस व्यवस्था से शाम को आए थे, जिसका हमसे 100 रुपये चार्ज लिया गया है और अब छोड़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि वहीं पर स्टाफ नर्स ड्यूटी पर जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने छुट्टी भी नहीं की है अभी, शायद उनको ये भी नहीं पता कि हमारा मरीज कहाँ पर लेटा है, कहाँ पड़ा है, क्या बीमारी फैल सकती है, शायद किसी को जानकारी नहीं दी जाती है, जिम्मेदारी से अपने मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस प्रकार से सारी स्वास्थ्य सुविधाएं रेवसा सीएससी की परवान चढ़ती नज़र आ रही हैं। भले ही योगी सरकार ने नियम और कानून कायदे बना रखे हों, लेकिन रेवसा सीएससी में नियम और कानून और आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ताक पर रख कर सारे काम किए जा रहे हैं, मनमानी तरीके से किए जा रहे हैं। रेवसा सीएससी के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझना चाहते हैं, नहीं समझ रहे हैं। वहीं पर जब रेवसा सीएससी प्रभारी अनंत मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि मामला लिखित में नहीं आया है कोई, और फिर भी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस निःशुल्क व्यवस्था है और गर्भवती महिलाओं को लाने और ले जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई गई है। जबकि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए योगी सरकार ने करोड़ों रुपये पानी की तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पर अस्पतालों में खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जिम्मेदार उनको पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आप ये तस्वीर 9 जुलाई 2019 मंगलवार की सुबह की है। कुछ बातचीत के अंश भी हैं मरीज से और नवजात शिशु के तीमारदारों के पास जो हैं, आप सुन सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से किस कदर से आए दिन ये हमेशा रेवसा सीएससी अखबार की सुर्खियों में और यूट्यूब चैनल की सुर्खियों में छाया रहता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विभागीय उच्च अधिकारी आला रेवसा सीएससी पर शिकंजा कसने का नाम नहीं ले रहे हैं, शायद वो भी इसमें संलिप्त हैं। क्योंकि एक चर्चा का विषय यहाँ तक है गुपचुप तरीके से कि उच्च अधिकारियों तक मोटी रकम
पहुंचाई जाती है, इसी वजह से वो पता नहीं क्यों कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं कि रेवसा सेठी की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सुधरने के नाम नहीं ले रही, आगे से आगे बढ़ती ही जा रही हैं। कहाँ से आया है? मेड़ाईपुरवा गवलोक। क्या नाम है आपके? तुम्हारा क्या नाम है? कल्लू। अच्छा, यह पतवा है आपके? क्या नाम है पतवा क्या? सीमा। कब आई रहा रेवसा? कल। कल आई रहा? कई बजे आई रहा? 10 बजे आई रहो। तो अब छुट्टी हो गए तो गयो नहीं घर? घर नहीं गयो? अरे घर नहीं गयो? नहीं तो साधन नहीं है का? नहीं अभी कहा बता रहे रहो? अभी कह रहा हो कि एम्बुलेंस लेके आई रहे तो पैसा पैसा वैसा तो ना लीज रहा है? कई रुपये लीज रहा है? 100 रुपया एम्बुलेंस है? जब घर से ले रहा है तो कई रुपया तो ना लीज रहा है? जब घर से आई रहा तो रुपया लीज रहा है का? कई रुपया? 100 रुपया लीज रहा है। आई कहाँ से रहो? प्राइवेट साधन से रहो एम्बुलेंस ने? एम्बुलेंस से? तो रुपया तो नहीं लीज रहा है? 100 रुपया लेना है तो 100 रुपया तो पड़ा तो नहीं है? खर्चा लगे ना क्या करना था? तो आप छोड़े नहीं गए? कहाँ गए? तो आप कहाँ कहाँ थे? 24 घंटे के बाद जाना छोड़े। अच्छा, तो फिर पैसा मांगा थे का? मतलब आई रहा तो 100 रुपया लेना है? अच्छा अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? सीमा देवी। पति क्या? कृष्णा कांत। मेरा ही पड़ोस आई रहा। अच्छा, और आई थी कल? आप देख सकते हैं कि ये बच्चा खुले में लेटा हुआ है, अगर कोई इन्फेक्शन फैल जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? और इनको छुट्टी देने के बाद दूध भी जो है यहाँ फर्श पे लेटाया गया है, और एम्बुलेंस के ये बता रहे हैं कि हम एम्बुलेंस से आए थे तो 100 रुपया एम्बुलेंस वाले ने हमसे लिया था। ये नवजात शिशु है, आप देख सकते हैं रेवसा सीएससी का नज़ारा है, आए दिन ये सुर्खियों में बना रहता है। और ये नवजात शिशु है, अगर ये फर्श पे लेटा हुआ है गंदगी में, अगर कोई इन्फेक्शन फैल जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? और ये एम्बुलेंस अब की तलाश में है, लेकिन एम्बुलेंस इनको नहीं मिल रही है अभी तक। बताया है कि 24 घंटे बाद जाएंगे, और छुट्टी पहले ही दे दी गई है, कमरे से निकाल दिया गया है। और यहाँ तक एक बात और उभर के आई कि जहाँ पर निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाने की बात योगी सरकार कह रही है, वहीं पर जो है एम्बुलेंस जब आई थी ये इनका कह रही हैं कि हमसे 100 रुपया लिया गया है।